भारतीय रेल अब वो वाली रेल नहीं रही जिसमें अक्सर धक्कम पेल मची रहती थी। मुसाफिर दोलन गति करते हुए जब तक अपने मंजिल तक पहुंचते थे तब तक थकान उनकी हालत बिगाड़ चुकी रहती थी। कहने का मतलब है कि भारतीय रेल की तकदीर अब बदल गई है। अब ये रेल बात बात पर ताने सुनने वाली नहीं रहने वाली। अब इसे जल्द चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि भारतीय रेल ने अपनी नई प्राइवेट सेवा तेजस एक्सप्रेस का नया रंग रूप पेश किया है। इस रेलगाड़ी के हर डब्बे को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यह रेलगाड़ी किसी फिल्म स्टार की वैनिटी वैन से ज्यादा कम नहीं है। हाईटेक वॉशरूम, 24 घंटे सीसीटीवी, रिमोट कंट्रोल वाले दरवाजे, एलईडी स्लीपर बर्थ विशेष क्वालिटी के हैं। ट्रेन की बोगी ऐसे डिजाइन की गई है कि इसमें झटकों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बात तो ये तय है कि सफर में मुसाफिर दोलन गति करते हुए कम से कम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से भारतीय रेलवे हाईटेक होने की राह पर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में सरकार ने कई स्पेशल ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। अगर तेजस की बात करें तो इसमें अब सुविधा स्लीपर वाली भी मिलेगी। स्लीपर कोच का पहला रैक आनंद विहार टर्मिनल अगरतला तेजस एक्सप्रेस स्पेशल में लगाया जा रहा है। आमतौर पर रेलवे के स्लीपर कोच में शौचालय की गंदगी सबसे बड़ी समस्या होती है। तेजस में इसके लिए खास सुविधा दी गई है। इसमें यात्री को सीट पर बैठे बैठे ही पता चल जाएगा कि शौचालय में कोई है या नहीं। इसमें पानी की उपलब्धता की सूचना देने के लिए वाटर लेवल सेंसर भी लगाया गया है। शौचालयों में बायो वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम लगाया गया है जिससे पानी का इस्तेमाल कम होता है और फ्लशिंग सिस्टम बेहतर रहता है। इस कोच की सीट में पीयू फोम को लेकर इसे और बेहतर बनाया गया है। इनकी खिड़कियों पर रोलर ब्लाइंडर लगाया गया है। अभी तक स्लीपर के यात्रियों की शिकायत होती थी कि उनके बर्थ पर पढ़ने के लिए ठीक से रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए तेजस में एलईडी रीडिंग लाइट के रूप में इसका समाधान ढूंढा गया है। इस स्लीपर कोच के सभी बर्थ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तो है ही, साथ ही साथ बर्थ पर रीडिंग लाइट की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।